श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दुनिया के अरबपति, ऐसे पांच राशि जो जन्म जात से कुल घरन में ये जन्म लेते हैं और इनका जीवन राज्य जीवन के बराबर सुख के साथ साथ इनका जीवन व्यापित होता है। आज हम ऐसे पाँच राशि वाले जो खूब पैसे कमाते हैं और धनी भी बहुत ही धनी होते हैं और जमकर पैसा खर्च भी कर हैं और एकदम आत्मविश्वास के साथ ये मजबूत रह के अपना कार्य करते हैं, ऐसे कौन सी ऐसी पांच राशि हैं आज इसके बारे में हम जानेंगे, जो दुनिया के अरबपति राशियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबको पता ही है सितारे ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे देखा जाए तो चंद्रमा दो दिन में साढ़े दो दिन में एक राशि किसी दूसरे राशि में गोचर करता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, तो ऐसे ही करके देखा जाए सूर्यदेव एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, बुधदेव को देखा जाए तो 25 दिन में, एक महीने में, 15 दिन में, ऐसे में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगलदेव को देखो या शुक्रदेव को देखो, ये बहुत ही जल्द ही एक महीना डेढ़ महीना दो महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे लंबे समय तक देखा जाए तो एक साल के लिए देवगुरु बृहस्पति एक राशि में रहते हैं, शनिदेव ढाई साल तक एक राशि में रहते हैं और यहाँ पे और अगली राशि दो को देखा जाए तो यहाँ ग्रह के लिए राहु और जो केतु हैं ये विशेष रूप से 18 महीने में एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये समय का चक्र है जो ग्रह की जो परिवर्तन है एक भाव से दूसरे भाव में गोचर करना, जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई रोडपति से भी करोड़पति बनता है, कोई करोड़पति से भी रोडमैन आ जाता है। ये समय का चक्र और समय का खेल, भाग्य का खेल किसी को पता नहीं है। लेकिन ऐसे जो पांच राशियां हैं जो जीवन में कभी डगमगाते नहीं हैं और धनी ही रहते हैं, अमीर रहते हैं, दुनिया में शान के साथ जीते हैं और निडरता के साथ जीते हैं, ऐसे पांच राशियों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी राशि हैं, चाहे कोई भी हो कभी कोई की इनको ठेस नहीं पहुंचा सकता, इनके परिवार में किसी चीज़ की कमी की महसूस ना हो, ये पूर्णतः परिवार का भी ख्याल करते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमाने में लगे रहते हैं और जो मुश्किल से मुश्किल काम में हाथ डालते हैं और अपनी जीवन में जो चाहा वो उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं और खूब पैसा कमाते भी हैं, साथ में जमकर खर्च भी करते हैं। या पॉलिटिसी में, संगीत में, हर एक कलाओं में ये पूर्णतः योग्यता भी इनकी होती रहती है। ऐसे पांच भाग्यशाली, ऐसे जो 12 राशियों में से भी ऐसी पांच राशियां कौन सी हैं इनके बारे में जानेंगे। तो आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको आज मैं ऐसी नई नई जानकारी देने के लिए यहाँ आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी तो बेल आइकन को जरूर दबाएँ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक तो एक जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं, शॉर्टकट में राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राशि है मेष राशि। अगर मेष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो ये राशि मंगल देव के शासित राशि है और मंगल देव इसके प्रतिनिधि ग्रह हैं। मंगल देव को देखा जाए तो एक ग्रह में इनको प्रधानमंत्री और सेनापति का पद मिला हुआ है। तो मंगल देव बहुत ही लाल ग्रह हैं और उग्र ग्रह हैं, बहुत गर्म ग्रह हैं और किसी से डरने वाले नहीं है और इनको धरती पुत्र के रूप में भी माना जाता है और कार्तिकेय के रूप में भी माने जाते हैं और ग्रहों के नौ देवताओं के जो ग्रह के इनको सेनापति माना गया है। तो दोस्तों, अगर मेष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो ये अग्नि तत्व की राशि मानी गई है, कभी किसी से डरते नहीं है, किसी से झुकते नहीं है, किसी के साथ ये कभी झुकना इनको आता नहीं है। ये शान से जीने वाले हैं, जैसे जंगल का शेर जीता है ऐसे ही जीने वाले राशि है और ये मुश्किल से मुश्किल वाले काम में भी हाथ डालते हैं। मेष राशि के जो लोग हैं धन कमाने में बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। देखा जाए तो प्राय आप किसी भी जातक अगर मेष राशि का जन्म लेते हैं तो बड़े बड़े घरों में ही, कुल घरानों में, राज्य घरानों में इनका जन्म होता है। इनको जन्मजात से पैसे की कमी तो होती नहीं है लेकिन अपना भाग्य स्वयं बनाने में भी सफल होते हैं। बड़े बड़े बिजनेस को लेकर, बड़े बड़े मुश्किल काम को लेकर ये हाथ डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो किस्मत इनकी बहुत ही साथ देती रहती है और ये मेहनत करने में डरते नहीं है और मेहनत करते हैं अत्यधिक, जीवन में सफलता इनको मिलती है। ये कामयाब होते हैं अपने कामों में,
कदम कदम में ये जितनी भी मुश्किल आए, या आगों के गलों पर चलना पड़े, या पहाड़ों में चलने पड़े, या समुद्र के पार चलने पर चलना पड़े, इनको कोई डर नहीं लगती है। ना किसी से लड़ने के लिए डरते हैं, ना मरने के लिए डरते हैं। इनका आत्मबल बहुत ही मजबूत होते हैं और ये अपने काम में कामयाब होते हैं। दम तक अपने जीवन के अंत सांस तक ये बड़ी उपलब्धि को हासिल करके छोड़ते हैं। जो चीज़ इनको चाहिए उनको पूरा करके छोड़ दे हैं। तो मेष राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए अपने लक्ष्य को काफ़ी स्पष्ट रखते हैं और मन लगाकर उसे पूरा करने का संभव भी करते रहते हैं। तो मेष राशि के लिए भौतिक सुख प्राप्ति होती है, उच्च शिक्षा भी प्राप्ति होती है, ये पुत्र पुत्रियाँ घर परिवार भी संपन्न होते हैं, किसी चीज़ की कमी होती नहीं है। जीवन ऐसा होता है कि इनका भाग्य जरूर पलट जाता है दोस्तों, इनकी किस्मत पलट जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी रहती है। तो इनके अपने बल पर, अपने बुद्धि के पर अपना काम को पूर्णतः ये सफलता ये करके ही छोड़ते हैं। तो जीवन में कोई चीज़ इनकी कभी कमी और कमजोरी रहती नहीं है, भाग्य इनका साथ देता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मेष राशि के लिए अगर आप देखें, मेष राशि ऐसी राशि है जो मंगलदेव इसके प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण से, मेष राशि का जो मंगलदेव इसका स्वामी होने के कारण पराक्रम इनके जीवन में होती है। ये मेष राशि जन्म लेने वाले सुंदर आकर्षण के कारक भी होते हैं, कलात्मक होते हैं, इनके अंदर कई कला से भरी रहती है। ये स्वतंत्र जीने वाले विचार वाले होते हैं, अपनी दृष्टिकोण सब में बनाए रखते हैं। इनकी निर्वित्य करने की बोलने की क्षमता अच्छी होती है। ये लोग मेष राशि के व्यक्ति जो होते हैं, ये अगर देखा जाए तो बहुमुखी के बजाय ये किसी भी खूबियों को, तमाम खूबियों की बजाय ये वास्तविक कोद्र और आक्रमण इनके अंदर रहता है। धैर्यता इनको बैठना काफ़ी कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्यता ही इनकी कमी कमजोरी हो जाती है। तो अगर इनके लिए कोई नकारात्मक लक्षण भी हैं तो इनको त्याग करने की कोशिश करें। मेष राशि आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा थोड़ा सा, और आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा योगा ध्यान मेडिटेशन करते रहें, क्योंकि यहाँ पे आपका जीवन में ऊर्जावान ताकतवर, आर्मी पुलिस, आप किसी भी होटल व्यवसाय या राजनीतिक पॉलिटिसी आप कर सकते हैं। पूर्णतः आपको सफलता मिलती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपको कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जीवन में आपके ऐसे जीवन मिलती रहती है जो सोच ही नहीं सकते। अगली राशि है दूसरों दो नंबर की राशि है, वो है राशि, जो दुनिया का अरबपति राशि मैं मानता हूं इसको, क्योंकि इसमें शुक्रदेव इसके प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्रदेव दो राशि के हैं, वृष राशि और मेष राशि के यहां पे मालिक हैं, इसके प्रतिनिधि हैं। तो शुक्रदेव को देखा जाए तो लक्ष्मी के कारक माने गए हैं, मां लक्ष्मी के कारक माने गए हैं, भौतिक सुख कारक माने गए हैं, प्रेम के कारक माने गए हैं। तो यहाँ पे कला के कारक भी माने गए हैं, जैसे आपको संगीत को लेकर, खेलकूद को लेकर, कपड़ा पसल को लेकर, बुटीक को लेकर, स्टेशनरी को लेकर, कई क्षेत्रों में यहाँ पे शुक्रदेव को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वृष राशि वाले जातक बहुत ही भाग्यशाली भी माने जाते हैं, ये गोरे वर्ण के होते हैं और इनका रूप काफ़ी संवेदनशील होता है और किसी को भी आकर्षण करने की क्षमता होती है, ये चलते चलते किसी को भी वश में कर सकते हैं। ऐसी कलाएं इनके अंदर होती हैं, इनके अंदर जादुओं से भरी रहती है। तो देखा जाए तो अगर ये वृष राशि के जो जातक एवं जातिकाएं करियर को लेकर हो, या बिजनेस को लेकर हो, या व्यापार को लेकर हो, या कला क्षेत्र को लेकर हो, या संगीत क्षेत्र को लेकर हो, यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले जातक अपने करियर में संघर्ष के साथ, कड़ी मेहनत के साथ साथ धन कमाने में सफल होते हैं। तो पैसे की कमी कभी नहीं होती है, बैंक बैलेंस इनका बढ़ा रहता है, तो धन की प्राप्ति होती रहती है, जीवन में सफलता मिलती रहती है। प्रेम विवाह के योग बनते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, घर परिवार में भी इनके लिए शुभ योग बनती हैं। तो विदेश में, स्वदेश में कहीं भी देखा जाए तो इनके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है, तो ये कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन कमाने के साथ साथ भी ये पैसे खर्च इतने ही करते हैं, जो एक बार जन्म लिया तो भाई खुल के जियो, किसी के बंधन में ना रहो। तो ऐसे मौज मस्ती से ये जीना चाहते हैं और जीते भी हैं, अपना जीवन खुद ही जीना चाहते हैं, अपना भाग्य खुद ही परिवर्तन करते हैं। इनको भौतिक सुखों की बहुत ही इच्छा होती है, जो चीज़ चाहिए उसको प्राप्ति करने में कभी पीछे हटते नहीं है, तो ये ऐसे खूब माने जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें हैं, वृष राशि वाले जातक बहुत ही एक चमत्कारी रूप से भरा रहता है, क्योंकि ये सुंदर गुण और सुंगत इनके अंदर होती है, सब लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं, शांत स्वभाव और कोमल स्वभाव के भी होते हैं, क्षमता भली भांति इनके ऊपर
काफ़ी रहती है, स्वाभाविक कठोर भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर देखा जाए तो धन के मामले में इनके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया और शुभ माना गया है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा और दृष्टि इस राशि में रहती है, शुक्रदेव की कृपा दृष्टि रहती है। अगली राशि है दोस्तों सिंह राशि है, जो तीसरी राशि है ये सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो दुनिया की अरबपति राशि, और जैसे जंगल में सिंह है जो राजा है जानवरों का, ऐसे ही मनुष्य में भी ये राज करते हैं। तो आप माने या ना माने, क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि ग्रह हैं ये सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव को आपने देखा ही होगा, हम प्रत्यक्ष अपनी नांगी आँखों से इनकी दर्शन कर सकते हैं। दिन को हमें रोशनी देते हैं, कोई लाइट बालने की जरूरत नहीं होती। ये प्राकृतिक और आत्मकारक ग्रह हैं सूर्यदेव। अगर सूर्य ना निस्के और सूर्य की रोशनी ना आए तो सारी बोट और जितने भी आपके गमले में लगाए जो पौधे हैं ये मर जाएंगे। जंगल में सारी बोट, जैसे जंगल में होगी बड़े बड़े पेड़, ये गिर जाएंगे। किसी भी वस्तु का पालन पोषण नहीं होगा, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी आपके हड्डियों में समस्या आ जाएगी, रात पड़ी रहेगी। देखिए प्रत्यक्ष भगवान है, आप विश्वास करें, ठीक है। सूर्य देव का जो कर्म है वो करते हैं सूर्य देव, क्योंकि सूर्य देव को क्या है कि जीवन देना और पालन पोषण करना आयु का ग्रह भी माना गया और आत्मा कारक भी ग्रह माना गया, सरकारी ग्रह भी माने गए हैं। सूर्य देव नवग्रह के राजा हैं और ये अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आती नहीं है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब भी हो तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में मजबूत हैं। जैसे मेष राशि के हो गए, सिंह राशि के हो गए, मित्र राशि के हो गए, मंगल में हो गए, या किसी भी राशि में, शुभ राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं और इनकी डिग्री वाइज बहुत ही मजबूत है, तो ये जीवन में उस व्यक्ति को राजा ही बना देते हैं। तो ये सिंह राशि भी देखा जाए तो सिंह राशि भी दुनिया के अरबपति से कम नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पॉलिटिसी को देखो या राजनीति को देखो या समाज सेवा को देखो या जॉब को देखो या बिजनेस को देखो या करियर को देखो, कभी झुकना नहीं जाना सिंह राशि वाले जातक एवं जातिका होने, कभी नहीं झुकेंगे ये, थॉट से जिएंगे ये। इनके जीवन में ऐसा शेर की तरह आक्रमण करते हैं और साहसी और पराक्रमी होते हैं। धन कमाने के मामले में ये जातक बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अपने बल बुद्धि के साथ साथ पॉलिटिक्स, राजनीतिक, सरकारी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। ये राशि के जो महिलाएं हैं इनके लिए सोना चांदी काफ़ी लगाव होता है, इनके लिए जो गहर गहने हैं काफ़ी लगाव होते हैं, इनके जो ताकतवर माने जाते हैं, इनकी तकदीर के इनका साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। इनके साथ भूमि भवन को लेकर देखें, बड़े बड़े कारों को लेकर देखें या बड़े बड़े बिल्डिंगों के माल को लेकर देखें, ये पूर्णतः भौतिक सुख प्राप्ति करते हैं। शॉपिंग लेकर बहुत ही शौक होती है इनके जीवन में, कभी भी किसी बजट से इनके लिए समस्या नहीं रहती है। धन की कमी तो कभी जीवन में रहती नहीं है। जो दुनिया के अरबपति हैं, इनके शेयर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केट को देखें आप, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, ये अपने जहाज खरीदते हैं। ऐसे ऐसे राशियां हैं जो सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में हैं तो मजबूत हैं, तो सोच लीजिए आप तो राजा का जीवन जिएंगे भाई। तो ऐसा राशि है ये सिंह राशि। तो अगली राशि यहां पे देखेंगे वृश्चिक राशि है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए इसको भी सोच लीजिए, दुनिया का अरबपति और आठ और बल और पराक्रम, जो अपनी इच्छा है उसको पूरा करने ही करना है। गुस्सा करो या रोना है या चिल्लाना है, लेकिन जो मर्जी करो, लेकिन इसने अपनी जिद्दी नहीं छोड़नी है और बहुत चतुर और गुप्त रखने वाली राशि है और ये बहुत ही चलाकी से काम करने वाली राशि है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले के लिए देखा जाए तो जल्दी किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंदर अंदर आपको कोई बातें नहीं बताएंगे, जो अंदर उनके अंदर क्या चल रही है कोई किसी को पता नहीं लगता। लेकिन चोरी की बात तो कभी छूती नहीं है, फिर भी अगर वृश्चिक राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले के लिए भी ये जन्मजात से उच्च कुल घराने में जन्म लेते हैं, तो इनका जीवन बहुत ही धन और महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम ये प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा बिजनेस, इनके साथ बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को ये भी खड़े करते हैं। इनके लिए देश विदेश की यात्रा करना, भौतिक सुख को प्राप्ति करना, विदेश में जाकर पढ़ना, विदेश में जाकर जॉब करना, विदेश में जाकर कोई बिजनेस करना, या स्वदेश में हो, ये पॉलिटिसी और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र को लेकर, कला संगीत क्षेत्र को लेकर भी इनके लिए बहुत ही जबरदस्त माना गया है। तो जिसकी वजह से नौकरी के साथ साथ अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्ति करते हैं, INGO NGO इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल मार्केट से जुड़ते हैं। तो यह शेयर मार्केट में आप लगानी करें, इन्वेस्ट करें, या आपको किसी सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करें, आपके लिए बैंक बैलेंस बना रहेगा, तो काफी अच्छा आपको मिलने को देख सकता है। यहाँ पे मान्यता अनुसार इस राशि के जातक
में जाते हैं, क्योंकि कुंडली में राजयोग होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगलदेव मजबूत हो तो कोई माई का लाल आपका बाल भींगा नहीं कर सकता, क्योंकि ये राशि को कोई डिगवा डगमगा नहीं सकते, क्योंकि ये जितनी संघर्षण है जितनी है मौत भी आ जाए तो ये डरने वाले नहीं है, ऐसे शान से और ठट से जीने वाली राशि है। तो दोस्तों ये अरबपति दुनिया की राशि मानी गई है, तो जिसकी वजह से अपाहार करियर को लेकर भी इनके लिए सफलता मिलती है। जहाँ देखा जाए इनके लिए कोई ऐसी समस्या कोई ऐसी वो नहीं रहती है। तो यही राशि थी जो आपका जीवन के लिए जो जानने के लिए ऐसी गुप्त बातें थी आज मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाए, आगे जरूर बढ़ें। अब अगली राशि है पंचम राशि आइए कर्कट राशि। दोस्तों कर्कट राशि को आपने देखा होगा ये कैसे धनी हो गई, कैसे हो जाए कि ये भी एक भगवान शिव की कृपा, माता पार्वती की कृपा, गणेश की कृपा, कार्तिकेय की कृपा और भगवान श्री चंद्रदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा इस राशि में रहती है, साथ में महालक्ष्मी की कृपा रहती है। ज्योतिष में माना जाता है कि कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए महादेवी लक्ष्मी की जो धन की देवी हैं यहाँ पे असीम कृपा रहती है। कर्कट राशि वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी आती नहीं है, इनके लिए घर भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन आपके लिए सब कुछ प्राप्ति होती ही है महालक्ष्मी की कृपा और साथ में सरस्वती की कृपा भी रहती है। तो इनके लिए कभी भी धन की समस्या झेलने नहीं पड़ते हैं। इस राशि के लिए पार्टनर के साथ साथ घूमना फिरना बहुत ही शौक होता रहता है जीवन में। ये लोग खूबसूरत चीज़ों को सदैव आसपास में रखना चाहते हैं और ये अपने घर को भी सजाने चाहते हैं। तो दोस्तों यही शॉर्टकट में ज़्यादा लंबी ना करें हम वीडियो, तो शॉर्टकट में ही बताएं, ज़्यादा बोर हो जाएंगे आप। तो ये थी पांच राशियां जो दुनिया के अरबपति आपको जानने को मिला है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें, फिर हम अगली वीडियो में जल्दी आपके साथ आएंगे ही ऐसे दुनिया के पांच अरबपति राशि के बारे में आज हम बात कर रहे थे। राधे राधे, जय माता जी, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय महालक्ष्मी।